वेलकम टू माय चैनल प्राची नीलेश स्टूडियो। आज के इस वीडियो में मैं एक आप लोगों के लिए बहुत ही अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। अलग इन द सेंस, पिछले कुछ दिनों से मैं ओनली हेल्थ पे ही फोकस कर रही थी, मैं हेल्थ केयर के ऊपर ही वीडियो अपलोड कर रही थी, लेकिन चूंकि दिवाली आने वाली है, आई नो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा फेस पैक लेके आई हूँ जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं भूल रही हूँ, मैं स्किन केयर पे वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिवाली आ रही है ये नहीं जानती हूँ। मैं ये जानती हूँ दिवाली आ रही है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, और दिवाली में घर की साफ सफाई में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम हमारी स्किन में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा फेस पैक लेके आई हूँ जिसका रिजल्ट आपको इंस्टेंट देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप ये जो फेस पैक है दिवाली की मॉर्निंग में या दिवाली की इवनिंग में, जब आपको टाइम मिले शाम को, अगर आपको लगता है कि आपके काम हो गए हैं, तो तैयार होने के 15 से 20 मिनट पहले, नहीं आधा घंटा तो लगेगा ना, आधा घंटा पहले ये जो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेमेडी, वो आप करिए, और उसके बाद आपका चेहरा इतना अच्छा ग्लो करेगा कि हर कोई आपके चेहरे को ही देखेगा, हर कोई आपसे पूछने वाला है कि तूने कौन सा फेशियल कराया है। लेकिन क्योंकि मैं मार्केट के प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो में, इस जो मैं फेस पैक शेयर करूँगी उसमें जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँगी वो होम मेड होगी, मतलब घर की चीज़ें होंगी, घर से बनाया हुआ फेस पैक होगा, और जो भी इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी एज यूजल बहुत ही आसानी से आप सभी के घर में मिलेगा। और इस फेस पैक को कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें जो है इस फेस पैक को अप्लाई करने से पहले आपको अपने माइंड में रखनी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फेस पैक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच चावल का आटा। ये चावल का आटा मैंने घर पे पीसा हुआ लिया है। आप चाहें तो मार्केट में भी चावल के आटे का पैकेट मिलता है, उसमें से भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप घर में पीसते हैं तो आपको कैसे पीसना है वो थोड़ा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। आप क्या कीजिए, चावल लीजिए, चावल को एक बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि उसमें कई तरह की डस्ट वगैरह लग जाती है, तो उसको अगर आप अपनी स्किन में एज इट इज एक पाउडर करके लगाएंगे तो आपकी स्किन में इन्फेक्शन होने का डर है। तो आप एक बार वॉश कर लीजिए, वॉश करने के बाद धूप में उसे सुखो लीजिए, सुखाने के बाद आप उसे ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड करने के बाद आप चाहे तो उसे छान सकते हैं या फिर नहीं तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि उसको अच्छा चिकना आपको पाउडर बनाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच दूध। ये मैंने रॉ मिल्क लिया है, रॉ मिल्क मतलब कि कच्चा दूध। जब दूध आता है तो उसे आपको बॉइल नहीं करना है, आपको ऐसे ही यूज़ करना है। मैं इसमें 1/2 चम्मच ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून शहद। शहद मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि विंटर्स आ चुकी है, शहद हमारी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, एक नेचुरल ग्लो जो है हमारी स्किन में ऐड करता है, और चूंकि विंटर में हम सब की स्किन मोस्टली 99% लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो शहद जो है स्किन को ड्राई होने से रोकेगा। तो इसमें मैंने 1/4 टीस्पून शहद ऐड कर दिया है। लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आपको 1/4 टीस्पून चाहिए या फिर जितना आपको अच्छा सा एक पेस्ट बनाने की ज़रूरत है आप उतना भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। ये हमारा जो है पेस्ट, बहुत अच्छे से फेस पैक का पेस्ट रेडी हो चुका है। आप इसमें चाहिए तो 3 से 4 बूंद बादाम के तेल की भी ऐड कर सकते हैं, इन केस अगर आपकी स्किन एक्सेसिव ड्राई है और या फिर विंटर में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फट रही है, दोनों ही केसेस में आप इसमें 3 से 4 बूंद जो है बादाम के तेल की ऐड कर सकते हैं। मैं अभी ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ड्राई स्किन की प्रॉब्लम नहीं है और बादाम के तेल मुझे सूट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो है फेस पैक रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये फेस पैक को कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों को स्क्रब करना है। क्योंकि मैंने 15 दिन हो गए स्क्रब बिल्कुल भी नहीं किया है, तभी मैं आपको स्क्रब करके भी दिखाऊंगी। और विंटर में स्क्रब करने से पहले आपको क्या चीज़ करना है, क्या स्टेप फॉलो करना है, वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
इस वीडियो में स्क्रब करने का मेन मोटिव मेरा यही है कि मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि विंटर में आप लोगों को स्क्रब करने से पहले क्या चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि स्क्रब करने से हमारी स्किन थोड़ी ड्राई आउट हो जाती है और चूँकि विंटर चल रहा है तो स्किन और ज़्यादा ड्राई आउट हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, स्क्रब करने से पहले सबसे पहले तो आपको अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना है। उसके बाद आपको लेना है एक एलोवेरा जेल, क्योंकि एलोवेरा जेल से अब हम क्या करेंगे, अपनी स्किन को अच्छे से जो है मसाज करेंगे। अब मसाज करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने फेस को वॉश करेंगे और उसके बाद हम स्क्रब करेंगे। एलोवेरा जेल सबसे पहले आपको अपने फेस को फेस वॉश से वॉश करना है, उसके बाद लेना है एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल को मैंने प्लांट का लिया है, तो इसको मैंने क्या किया, प्लांट से कट करने के बाद थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने दिया जो उसका येलो पार्ट होता है ना, ताकि वो रिमूव हो जाए। उसके बाद मैंने इसे वॉश करके ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी जो ऊपर की स्किन है उसको निकाल दूंगी। ये मैंने एलोवेरा जेल को कट कर लिया है, इसकी ऊपर की जो स्किन है उसे मैंने रिमूव कर दिया। अब इसे मैं अच्छे से अपने फेस पे मसाज करूंगी। आपको 5 मिनट इसको अच्छे से मसाज करना है। एलोवेरा जेल क्या करता है, आपकी स्किन जो अगर ड्राई हो रही है तो उसको मॉइस्चराइज करता है, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा ड्राई आउट होने से रोकता है, आपकी स्किन में एक नेचुरल जो है ग्लो ऐड करता है। और स्क्रब करने से पहले मसाज करने का मेरा जो मोटिव है वो ये है, क्योंकि सर्दियों में आपकी स्किन ड्राई हो जाती है और ऊपर से उस स्किन के ऊपर अगर आप और स्क्रब करते हैं तो आपकी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। और ये वाला फंडा आप अपना के एक बार देखिए, आप एक बार एलोवेरा जेल मसाज करने के बाद स्क्रब करके देखिए, आपकी स्किन उतनी ड्राई नहीं होगी जितनी नॉर्मल स्क्रब करने के बाद आपकी स्किन जो है ड्राई आउट फील करती होगी। मैंने 5 मिनट्स मसाज कर लिया है, अब मैं अपने फेस को वॉश करके आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, अब मैं जो है स्क्रब करूँगी। स्क्रब करने के लिए मैंने जो फेस पैक बनाया था मैं वही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जो चावल का आटा है वो घर पे पीसा था, तो मैंने ना ही ज़्यादा इसे बारीक पीसा था ना ही ज़्यादा इसे मोटा पीसा था। तो ये जो है मेरा फेस स्क्रब का भी काम करेगा, फेस पैक का भी काम करेगा। तो सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा लेके अपने फेस को अच्छे से स्क्रब करूँगी और उसके बाद अपने फेस को जो है वॉश करेंगे। स्क्रब जब कभी भी आप स्क्रब करते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप क्या बोलते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी स्क्रब मत कीजिए। 2 मिनट से ज़्यादा कभी भी हमें हमारी स्किन की जो है स्क्रब नहीं करना चाहिए, और स्क्रब हमेशा हफ्ते में 2 बार करना चाहिए। 2 बार से ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए और 2 बार से कम भी नहीं करना चाहिए। और स्क्रब करते समय इस बात का भी खास ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप जो एकदम हल्के हाथों से अपनी स्किन में मसाज कीजिए, ज़्यादा प्रेशर से या ज़्यादा रफ तरीके से अपनी स्किन में कभी भी स्क्रब नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्क्रब में जो होते हैं वो दानेदार जो ग्रैनुल्स होते हैं वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज कर सकते हैं। तो हमेशा अपनी स्किन को एकदम हल्के हाथों से एकदम प्यार से एकदम धीरे धीरे ही मसाज कीजिए। और जब कभी भी आप स्क्रब करते हैं तो अपने नोज एरिया के अराउंड पश्चिम एरिया में खास ध्यान दीजिए, क्योंकि वही है जहाँ सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो वो दो एरिया में आप ज़्यादा फोकस कीजिए रेदर देन रेस्ट ऑफ योर फेस, मतलब रेस्ट ऑफ योर फेस पे भी ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि वहाँ बिल्कुल ना करें, वहाँ पे भी ध्यान दीजिए, बट मेन फोकस आप जो है नोज एरिया और चीन एरिया में रखिए। हो गया मुझे स्क्रब करते हुए, तो मैं जल्दी से अपने फेस को वॉश करके आती हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अब आज के फेस पैक का मेन और लास्ट स्टेप है फेस पैक। दैट मींस हमने क्या किया, पहले एलोवेरा जेल अप्लाई किया, उसके बाद स्क्रब किया, अब लास्ट में हम अप्लाई करेंगे फेस पैक। तो जल्दी से फेस पैक को अप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि जब कभी भी आप फेस पैक अप्लाई करें तो अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करें। अब आप लोग ये कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप हमेशा बोलते हो कि नेक एरिया में भी अप्लाई करना चाहिए, बट खुद तो आप कभी अप्लाई नहीं करते। वो इसलिए क्योंकि मेरी ड्रेस का नेक जो है वो थोड़ा ऊपर है और अभी वॉश करने में मुझे प्रॉब्लम होगी इसीलिए। बट आप जब कभी भी अपने फेस पे फेस पैक लगाएं तो नेक एरिया पे भी ज़रूर लगाएं, क्योंकि नेक एरिया का कलर इंदा कलर और फेस का कलर इंदा कलर जब दिखता है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस फेस पैक को आप चाहे तो रोज भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप रोज लगाते हैं इस फेस पैक को तो आप ध्यान रखिए कि सिर्फ 5 मिनट्स के लिए भी इसे अपने फेस पे रहने दीजिए, उसके बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। और इन केस आप वीक में 2 से 3 बार लगाते हैं तो 10 मिनट्स के लिए इसे छोड़ दीजिए और 10 मिनट्स के बाद अपने फेस को जो है वॉश कर लीजिए।
तो इस स्टेप को कभी भी हमें अपने अंदर का एरिया में नहीं अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो ये जो एरिया बहुत ही डेलिकेट बहुत ही नाजुक होता है। और इन केस आप अगर चाहते हैं फेस पैक को इस एरिया में अप्लाई करना, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, उससे ज़्यादा आपको नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो वहाँ यहाँ की जो स्किन है उसमें झुर्रियाँ बहुत जल्दी पड़ जाती है। तो इससे बेटर है कि आप उस एरिया को अवॉइड ही करें, इस एरिया में आप जो है फेस पैक मत अप्लाई कीजिए। गाइस, इस दिवाली मेरे बताए तरीके से अगर आप इस फेस पैक को अप्लाई करते हैं, तो आप खुद अपने फेस पे इंस्टेंट ग्लो, मतलब स्किन इतनी क्लियर लगेगी, इतनी क्लीन लगेगी आपकी स्किन, और जैसे कोरियन लोग की स्किन एकदम ग्लास क्लियर स्किन होती है, वैसे ही आपकी स्किन जो है शाइन करेगी। तो आप मेरे बताए तरीके से इस फेस पैक को ज़रूर अप्लाई करें। हो सके तो जो प्रोसेस मैंने इसमें फॉलो किया है, जैसे कि पहले मैंने जो एलोवेरा जेल लगाया, उसके बाद स्क्रब किया, और उसके बाद जो है फेस पैक लगाया, पूरा प्रोसेस अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो इस दिवाली आप ज़रूर अप्लाई करें, और अपना जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, क्या आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया? नहीं किया, जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम की जो मेरी आईडी है यहाँ पे अभी पॉपअप होती होगी, और जल्दी से इंस्टाग्राम खोलिए और उसके बाद वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे जो है वीडियो बनाने के लिए। गाइस, एक वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, पहले टॉपिक सोचना, वीडियो शूट करना, देन एडिट करना। एक वीडियो बनाने में एक यूट्यूबर का पूरा एक एक दिन लग जाता है। तो मेरा ही नहीं, बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनके भी आप वीडियो देखते हैं, उसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। और अगर उनका जो काम है आपको पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी प्यार से ही हम जो है ग्रो कर सकते हैं। हमारी जो मेहनत है वो तभी रंग लाएगी जब आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो अगर मेरा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी फैमिली को जो है ग्रो करने में हेल्प कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, फिर धन्यवाद।